नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगी, कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। कैबिनेट मंत्री की घोषणा, इस महीने से लागू होगा नया वेतन आयोग, 30,000 रुपये तक बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को जल्द ही नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, इस संबंध में मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि नए वेतनमान लागू करने के साथ ही लंबित सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा। मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि विभाग में इसी सप्ताह से नए वेतन आयोग लागू करने की कोशिश भी की जाएगी, साथ ही कर्मचारियों की नियमितीकरण किए जाने की भी आश्वासन दिया है। वही कर्मचारियों का मानना है कि 15 दिन के भीतर प्रदेश में मत्स्य विकास निगम के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग निगम संयुक्त कर्मचारी संघ द्वारा वार्षिक अधिवेशन में मत्स्य मंत्री से अधिकारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू करने की मांग की गई थी, जिस पर मंत्री संजय कुमार निषाद ने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, इससे पहले सहकारिता भवन स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में कर्मचारियों ने अपनी समस्या सुनाते हुए मत्स्य मंत्री संजय कुमार निषाद से कहा कि निगम में अभी तक पांचवें वेतन आयोग लागू है। कर्मचारियों द्वारा कैबिनेट मंत्री से सातवें वेतन आयोग लागू करने के साथ ही कर्मचारियों के नियमितीकरण की भी मांग उठाई है। इस पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मत्स्य विभाग निगम कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते से ही सातवें वेतन आयोग लागू करने की कोशिश की जाएगी। वहीं निगम के 19 कर्मचारियों को नियमितीकरण लाभ उठाने का भी आश्वासन दिया है। बता दें कि इससे पहले योगी सरकार द्वारा जुलाई महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो गया था। दोस्तों, सातवें वेतन आयोग के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कार्यक्रम के महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी से जून तक के महंगाई भत्ते की एरियर का भी भुगतान किया गया था। साथ ही जुलाई महीने के वेतन में 30% की वृद्धि से अगस्त में उनके उपलब्ध कराया गया था, जबकि पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सहित महंगाई राहत का लाभ दिया गया था। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए थे। दोस्तों, वही अब प्रदेश मत्स्य विभाग निगम द्वारा सातवें वेतन आयोग लागू करने पर मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक विभाग में सातवें वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। वही सातवां वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में बम्बर इजाफा देखने को मिलेगा। पाँचवा वेतन आयोग से सातवां वेतन आयोग के तहत उनके वेतन में 20,000 से 30,000 रुपये तक की वृद्धि देखी जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।